वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, जय माता रानी। तो फ्रेंड, मैं ना आज एमएच आई, मैंने हॉस्पिटल आई हूँ। और उस दिन जो हॉस्पिटल आई थी ना, तो मैं आँखों का टेस्ट करी थी, तो बस आज उसका रिपोर्ट लेने आई हूँ और डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। तो मैं बताऊँगी आगे कैसा रिपोर्ट आया है, क्या आया है, तो सब बताऊँगी। फ्रेंड, जाती हूँ हॉस्पिटल और रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं और डॉक्टर मुझे क्या बताए, सब मैं आके आपको बताऊँगी। मैं जो डॉक्टर को दिखाती हूँ ना, वो डॉक्टर आज किस काम से बिजी है, तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट मेरा आ गया है और उस रिपोर्ट को लेके मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी, तो देखती हूँ। बट जो डॉक्टर को मैं हमेशा दिखाती थी, वो डॉक्टर को दिखाती तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर, अच्छा होता। पर कोई नहीं, दूसरा डॉक्टर को दिखाऊँगी, तो देखती हूँ, वेट कर रही हूँ। मेरा नंबर थोड़ा सा लेट है, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी फिर। पी रहे हैं, थोड़ा यहाँ आके डॉक्टर का थोड़ा लेट हो गया, तो घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और चाय भी पी ले रही हूँ। सिर दर्द दे रहा था, सोचा चाय थोड़ा पी लूंगी तो अच्छा लगेगा। नंबर आ गया। तो फ्रेंड, मैं ना डॉक्टर को दिखा के आ गई और रिपोर्ट मेरा अच्छा आया है, वैसा कुछ भी नहीं आया है, बहुत 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 अच्छा आया है। और वैसे आँखों में मेरा कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सर दर्द दे रहा था बोल के ना, आँखों में थोड़ा दर्द था। हेड पेन होने से तो आँख में भी प्रॉब्लम होता ही है, तो ऐसा था बस। ऐसा कुछ रिपोर्ट ऐसा ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, ठीक ही है। और मेडिसिन दिए हैं, जैसा मेरा मेडिसिन चलता है सर का वैसा ही है। और अच्छा हुआ जो डॉक्टर नहीं देखेंगे बोल रहे थे, बट फाइनली वो डॉक्टर आ गया और मैं जिस डॉक्टर को दिखाती हूँ वेट करी और उन्हीं डॉक्टर को ही दिखाई, तो अच्छा लगा। मैं कंटिन्यू जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ उन्हीं डॉक्टर को ही मैं दिखाई, और नहीं लगाई और उन्हीं डॉक्टर को ही मैं दिखाई, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। बट रुक के मैं कंटिन्यू जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ मैं उन्हीं डॉक्टर को ही दिखाई। और अभी हम घर जा रहे हैं, बहुत लेट भी हो गया, पर लेट इसलिए हुआ क्योंकि रुक के मत करिए ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है गाड़ी में ना, जब हम गाना लगाते हैं और गाना लगाते लगाते सुनते सुनते जाते हैं ना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और हस्बैंड हमेशा ही कार में ना गाना लगा ही देते हैं, तो इसीलिए ना फिर मैं बात करते रहती हूँ, फिर बाद में ना मुझे म्यूट करना पड़ता है, म्यूट करके फिर मुझे बाद में वॉइस देना पड़ता है बाद में। तो बस यही है, ऐसा था। बट अब भी सारा कंप्लीट हो गया, ढेर सारा मुझे दवाई भी मिला है, अच्छे से खाऊंगी, फिर बिंदास मैं वीडियो बनाऊंगी
और आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो, और डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत 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 अच्छे डॉक्टर है, इसीलिए ना मैं उन्हीं डॉक्टर को ही वेट करती हूँ और उनसे ही दिखाती हूँ, वो मुझे समझाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर भी सच में बहुत अच्छे होते हैं, जो मैं वही सोचती हूँ, सच में बोलते हैं ना कि डॉक्टर ना भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो वही जो सच में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं, तो वो मुझे समझा रहे थे कि तुम इतनी अच्छी हो, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन लेते हो अपने सर में, हाँ, और ये साइक्रेटिस्ट इन सब के पास तुम कहाँ से आ गई हो, बोल के वो बोल रहे थे। तो वही बस वही टेंशन लेते लेते कहाँ मैं आ गई हूँ साइक्रेटिस्ट के पास, वही मैं भी सोचती हूँ, इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ, इतना अच्छा एंजॉय करने का टाइम है मेरा, और कहाँ मैं साइक्रेटिस्ट के पास आके मेडिसिन खाती हूँ ये सब। तो पर वही है, अब से कंटिन्यू वो बोल रहे थे कंटिन्यू आना है तुम्हें हॉस्पिटल में, अपना ध्यान देना है, और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि मेरे कॉपी में उन्होंने खुद से, मैं ना कभी कभी क्या होता है ना, 1.5 महीने 2 महीने के बाद उनके पास जाती हूँ, साइक्रेटिस्ट के डॉक्टर के पास जाती हूँ, और बाकी मेरे सर के जो डॉक्टर हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, उनके पास मैं मंथली मंथली जाती हूँ, पर साइक्रेटिस्ट के डॉक्टर के पास ना 2 महीना 2.5 महीना के बाद जाती हूँ। तो वो मेरा कॉपी चेक करके बोलते हैं कि तुम मेरे पास इतने लेट के बाद आई हो, ऐसे वैसे बोलते हैं, तो कॉपी चेक कर करके बोलते हैं। तो वही मैं बोलती हूँ कि सोचो इतने बड़े डॉक्टर हो के भी ना वो मेरे, मैंने वो देखते हैं पेशेंट सबको और वो ध्यान देते हैं, तो वही है। तो अब से मैं रेगुलर जाऊंगी, अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी, तो वही है, बिंदास रहूंगी अपने लाइफ में। लोगों का क्या है, पीठ पीछे टोन मारना, जो लोग होते हैं ना, एक एक लोग होते हैं ना, पक 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 करना, पीठ पीछे टोन मारना, वो सब लोगों का बात होता है। और फ्रेंड जो छोड़ो, वो सब बात को मैं इग्नोर करूंगी, जो लोग पीठ पीछे टोन मारते हैं ना, उन सब लोगों को तो मैं इग्नोर करूंगी, और मैं सही हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ मैं सही हूँ, और मेरे को किसी को सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी हूँ, मैं प्राउड से बोलती हूँ मैं अच्छी हूँ, और पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी हूँ, और मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, और बस, और मैं अपने लाइफ में बहुत खुश से हूँ, और जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरे बहुत सारे, मैंने जो मुझे प्यार करते हैं है मेरे लाइफ में, और मुझे प्यार करने के लिए, मेरे मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, बस वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए हूँ, और मुझे किसी का ज़रूरत है भी नहीं, बस। और क्या बोलूँ, और तन्वी का जो माइक जो ख़राब हुआ था वो भी ठीक हो गया है, और तन्वी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, और तन्वी आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या बनाया आपने देखा, और बस यही है। और फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं, और ले लेते हैं, हाँ तन्वी को अभी हम, लेट हो ही गया है तो तन्वी को स्कूल से ले ही लेते हैं, नहीं तो वो स्कूल बस से आएगी, घर आते आते ना उसको बेचारी का बहुत लेट हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है बस से आते आते, वो बस क्या होता है ना, सारे बच्चों को ड्रॉप करते करते हमारे यहाँ लास्ट में पहुँचते हैं, तो फिर तन्वी का लेट हो जाता है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं तो तन्वी को लेते हुए जाएंगे, और मैगी को भी घर में छोड़ के आए हैं, तो सारा खाना वाना बना के मैं आई थी, तो बस अभी कोई टेंशन नहीं है, तो तन्वी को लेते हुए चलते हैं, तो फिर मिलते हैं तन्वी के, तन्वी को जब स्कूल लेने जाऊंगी ना, तो फिर तब मिलते हैं।
घर आ गए और तन्वी को स्कूल से लेके नहीं आए क्योंकि तन्वी का ना छुट्टी नहीं हुआ था और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो हम तन्वी का अगर वहाँ पे वेट करते तो हस्बैंड को लेट हो जाता ऑफिस जाने में। तो हस्बैंड बोले थोड़ा घर जाके रेस्ट भी कर लूँगा, इसलिए हस्बैंड आ गए। और देखिए तन्वी मैगी का हमने आते ही खाना दे दिया। और मैगी ने पता है क्या किया है आज ना, हम मैगी को ना बैल्कोनी में ही छोड़ दिए थे और उसको ब्रेकफास्ट दे के हम बैल्कोनी में छोड़ दिए थे और हम चले गए थे। तो आज मैगी ने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैगी ने क्या किया है पता है, उसका जो क्या बोलना क्या करूँगी, इसको पूरा काट दिया है। तो इसका जो रुई है ना इसमें घुसा के रख दी हूँ। क्या करूँगी जब टाइम मिलेगा तो फिर इसको आराम से सिलाऊंगी और इसको अंदर ला के रख दी हूँ। इसको मैं ना वो बैल्कोनी में रखी थी ताकि मैगी आराम से सोएगा, उसको मैं बैल्कोनी में रख के गई थी ताकि मैगी आराम से सोएगा, पर वो लायक नहीं है। एक चल बाहर, लायक का नहीं है, अब से वो ना नीचे ही सोएगा, नीचे ही सोएगा वो, अब से तू नीचे सोएगा मैगी, तू लायक का नहीं उस बिस्तर में सोने का, ठीक है, अब से तू नीचे सोना। पूरा उस बेड को फाड़ दिया, कितना महंगा वो उसका बिस्तर लिया था, पूरा बिस्तर को पूरा फाड़ के उसका पूरा वो निकाल दिया है, अब से तू नीचे ही सोएगा। डंडा लाओ, डंडा, हाँ अभी का लायक का, चल उसी में सो, डंडा कहाँ गया, चल तू उसी में सो, अब से वही तेरा बिस्तर है, चल सो। डंडा कहाँ गया, कहाँ गया डंडा, चल सो, सो उसमें, उसी में सो तू, वही तेरा बिस्तर है, सो अब उसमें। तो मान कर देता है ना, सच में क्या बोलना, ना परेशान कर देता है सच में, अब से वो उसी में ही सोएगा, कुछ फायदा नहीं है उसको उसके लिए इतना महंगा लेके आना। थोड़ा अभी हम आ गए हैं, खाना वाना खाते हैं, तन्वी का आते आते ना शायद 2:30 बज जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और देखती हूँ तन्वी आने के बाद फिर कंटिन्यू इस ब्लॉग को आगे रखूँगी। पति खा रहे हैं खाना, तो फ्रेंड तन्वी ने स्कूल से आ जाने के बाद तन्वी खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करी। उसके बाद शाम को ना उसका सॉन्ग क्लास था, तो सॉन्ग क्लास होने से पहले ना वह आधा घंटा प्रैक्टिस करती है। तो देखिए तन्वी ना कैसे अपना सॉन्ग को प्रैक्टिस करती है। Yeah.
गाइस देखो मम्मा अभी ड्राइंग कर रही है। मैगी चुपचाप से बैठ और मैगी मम्मी को परेशान कर। बैठ मैगी, ए डंडा ला दो, डंडा ला। थैट 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 मैगी थप्पड़ थप्पड़ था। बैठ बोले ना, बैठ जा, बैठ चुपचाप से। ए डंडा ला दो, सीट बोलो उसको, सीट से चुपचाप से बैठ रहा था, तेरे बोलने पर ही उठा, उसको बंद कर दे। देखो मम्मी ड्राइंग बना रही, कितना घटिया बना रही हूँ ड्राइंग। इसका कल ही फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो सारा को मेरे को ड्रॉ करना है, तो कल मैं आप लोग को दिखाई थी कल वाला वीडियो में, और इसको अभी सारा कलर तो कर रही हूँ, अभी एक ही बचा हुआ है, बहुत नहीं लग एक रहा। करके उसके बाद इसमें कोटेशन लिखूंगी और इसको थोड़ा सा करना है, फिर कटिंग करके वो जो सनफ्लावर में भी थोड़ा सा लिखना है, लिख के उसके बाद इसको रेडी कर दूंगी, उसमें खत्म हो जाएगा मेरा पेंटिंग। कर दूंगी कल, तन्वी का है कल है फ्रेंड, तो कल मैं दिखाऊंगी, पर यहाँ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, दिखाऊंगी फिर भी। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद ना मैं आपको फिर इसका पूरा लुक दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ। अभी मैं इतना दिखाती हूँ। और ये ना कल तन्वी इसको पूरा गेटअप के साथ पहन के आपको कल फिर मैं मिलूंगी, तो फिर यही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, भारत माता की। अभी मैं इतना दिखाती हूँ। और ये ना कल तन्वी इसको पूरा गेटअप के साथ पहन के आपको कल फिर मैं मिलूंगी, तो फिर यही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, भारत माता की। लाइक सब्सक्राइब करो दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। बाय बोलो। बाय।